उत्तर प्रदेश। आप बाल पर्यावरण विद हैं। आपने अपने पिछले जन्म दिवस पर 2500 पौधे लगाए। आप विश्व को प्रदूषण तथा ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए मुख्य अवसरों पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देती हैं और लोगों को भी प्रेरित करती हैं। समाज सेवा में उत्कृष्टता के लिए 2019 का बाल शक्ति पुरस्कार दिया जा रहा है कुमारी ईहा दीक्षित को। ईहा की ये इच्छा है, यहाँ की इच्छा है कि सभी लोगों से वो प्रार्थना कर रही हैं कि सभी को अपने अपने जन्म दिवस पर या खास दिवस पर पौधे जरूर लगाना चाहिए। सम्राट सर, आज आप लोग कुछ कहने जा रहा हूँ कि देखिए, जो भी आपके पास आपके जैसे रिलेशन में कोई बच्चा हो, आपके आसपास के बच्चा हो, आपके बच्चा हो, तो हमेशा उसे बच्चों पर ध्यान देना जरूरी होता है। क्योंकि कुछ बच्चा होता है कि कम ही उम्र में कहा था बहुत आसमान छू लेता है। जैसे कि हम आपको कुछ क्लिप दिखाएंगे जिसे कहा था वह बच्चा जो है मतलब कि राष्ट्रपति बाल पुरस्कार पाया है सब। तो देखिए, कहने का मतलब है कि अपने बच्चे को प्रति हमेशा जागरूक होना जरूरी है, हमेशा एक्टिवेट होना। ये कि बच्चे को पास जन्म दे दिया, जन्म देने के बाद उसको छोड़ दिया, स्कूल कोचिंग पकड़ा दिया, बस हो गया, बच्चा पढ़ रहा है, नहीं, उस पर अपना टाइम जो है आपको टाइम पूरा उचित ज़्यादा से ज़्यादा देना पड़ेगा। क्योंकि आपका दिया हुआ टाइम ही वो बच्चा को गोल्डन बनाएगा, कीमती बनाएगा, आपको ये बहुत खुश करेगा। देखिए, आपका दिया हुआ वक्त ही बच्चा को एक मसीहा बनाता है। और ऐसे स्कूल कोचिंग तो है ऐसे आपको बच्चा को देने का, क्योंकि आज का स्कूल कोचिंग बिजनेस बने कारण जो होता है कि आजकल कोचिंग उतना पढ़ाई ध्यान बच्चे नहीं दे, मतलब कि जो टीचर हैं ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए अपने बच्चों को खुद से ध्यान दीजिए, पढ़ाने के प्रयास कीजिए, संघर्ष करवाइए। आते हैं कुछ आपको क्लिप दिखा रहे हैं जिसलिए आपको कुछ मतलब उसलिए समझ मिलेगा कि हम भी अपने बच्चों को ध्यान दें। देखिए देखिए क्लिप, यह क्लिप देखकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि छोटे उम्र में बच्ची जो है बहुत मतलब कि बड़ा पद ग्रहण कर ली और बहुत सारा उसका हौसला आया, बुलंद हुआ, क्योंकि अपने जन्मदिन पर पौधा लगाई और कहा था आज मतलब कि राष्ट्रपति बाल पुरस्कार मिला। वो आगे चल के उसको अंदर उत्साहित हो गई और आगे चल के बहुत कुछ करने वाली है। तो इसलिए अपने परिवार वाले के जो बाल बच्चे आपके हैं तो आपको हमेशा एक्टिव रखना चाहिए बाल बच्चों को, उसको हमेशा प्रेरित करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, हमेशा इस तरह के क्लिप दिखाना चाहिए बच्चों को। हमेशा ये नहीं कि आप कॉमेडी दिखाइए बच्चा को, मतलब कि यह सब फिल्म मूवी दिखाइए, वो भी दिखाना उचित बनता है, ये नहीं कह रहे हैं कॉमेडी दिखाई कार्टून, बल्कि इसको भी दिखाना उचित बनता है, क्योंकि आपको यह प्रेरित करेगा बच्चा को, आपका बच्चा को प्रेरित करेगा, एक्टिव करेगा कि वो भी उस तरह के बात सोचे और वो भी आगे बढ़े, वो भी राष्ट्रपति पुरस्कार, प्रधानमंत्री प्राइज, नोबल पुरस्कार लेने के प्रयास करे, भारत रत्न लेने के प्रयास करे, तो यह कहता पद्मश्री भूषण लेने के प्रयास करेगा, तो यह करेगा वो। बट आप परिणित कर लीजिएगा तब, क्योंकि आप बड़े हैं ना, तो आप बड़े को जब बड़े ही लोग बताते हैं ना तो आप ही बतेवे नहीं कीजिएगा तो कब बच्चा कैसे सीख पाएगा। बट इसलिए हम आप लोग सभी जो भी मेरा वीडियो सुनेंगे तो उनको बताना चाह रहे हैं कि अपने बच्चों पर पूरा का पूरा ध्यान दें, अपने परिवार को ध्यान दें, क्योंकि आपका परिवार आपका ही मसीहा है। आपका परिवार अच्छा रहेगा तभी आप अच्छा रहिएगा। इतने कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, सम्राट सर आरा वाला।